से तंग आकर जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। जनता भाजपा का असली चेहरा पहचान चुकी है। लोग अब भाजपा की सरकार से परेशान है। नाहन में भाजपा के करिंदे ने लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा किया है, जिससे लोग अब नाहन में कांग्रेस प्रत्याशी अजय सोलंकी के साथ खड़े हैं। हिमाचल बदलाव का देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है उसका नेतृत्व करने जा रहा है और 12 तारीख को हिमाचल बदलाव के लिए वोट करेगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाएगा और देश के लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच में हिमाचल की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाएगा, ताकि नेहरू गांधी अंबेडकर के सिद्धांतों पर बना भारतीय संविधान मजबूत हो सके। वो धरती से जुड़े हुए व्यक्ति और जिस तरीके के हम पहाड़ी लोग हैं वो उसका सच्चे प्रतिनिधि हैं, वो उनमें वास्तविक रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। इसलिए अजय सोलंकी को वोट देने का अर्थ है जो है हम अपने आप को वोट दे रहे हैं, अपने स्वयं को वोट दे रहे हैं। से तंग आकर जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। जनता भाजपा का असली चेहरा पहचान चुकी है। लोग अब भाजपा की सरकार से परेशान है। नाहन में भाजपा के करिंदे ने लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा किया है, जिससे लोग अब नाहन में कांग्रेस प्रत्याशी अजय सोलंकी के साथ खड़े हैं। हिमाचल बदलाव का देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है उसका नेतृत्व करने जा रहा है और 12 तारीख को हिमाचल बदलाव के लिए वोट करेगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाएगा और देश के लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच में हिमाचल की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाएगा, ताकि नेहरू गांधी अंबेडकर के सिद्धांतों पर बना भारतीय संविधान मजबूत हो सके। वो धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जिस तरीके के हम पहाड़ी लोग हैं वो उसका सच्चे प्रतिनिधि हैं, वो उनमें वास्तविक रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। इसलिए अजय सोलंकी को वोट देने का अर्थ है जो है हम अपने आप को वोट दे रहे हैं, अपने स्वयं को वोट दे रहे हैं। से तंग आकर जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। जनता भाजपा का असली चेहरा पहचान चुकी है। लोग अब भाजपा की सरकार से परेशान है। नाहन में भाजपा के करिंदे ने लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा किया है, जिससे लोग अब नाहन में कांग्रेस प्रत्याशी अजय सोलंकी के साथ खड़े हैं। हिमाचल बदलाव का देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है उसका नेतृत्व करने जा रहा है और 12 तारीख को हिमाचल बदलाव के लिए वोट करेगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाएगा और देश के लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच में हिमाचल की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाएगा, ताकि नेहरू गांधी अंबेडकर के सिद्धांतों पर बना भारतीय संविधान मजबूत हो सके। वो धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जिस तरीके के हम पहाड़ी लोग हैं वो उसका सच्चे प्रतिनिधि हैं, वो उनमें वास्तविक रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। इसलिए अजय सोलंकी को वोट देने का अर्थ है जो है हम अपने आप को वोट दे रहे हैं, अपने स्वयं को वोट दे रहे हैं।